Students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher, Ms. Tamsha, and today we will study unit number 11, measurement of physical quantities. If you remember, student, in my last video we will talk about prefixes and measuring instrument. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा था हमने कि किसी भी यूनिट से पहले जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं. जैसे हमने सेंटीमीटर पढ़ा था, मिलीमीटर पढ़ा था और किलोग्राम पढ़ा था. और हमने कुछ कन्वर्जन भी पढ़ी थी कि हम मीटर को मिलीमीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में और मीटर को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. हमने कुछ कन्वर्जन पढ़ी थी. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने स्टार्ट किया, इसमें हमने दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे. मीटर रूल पढ़ा था कि किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे हम मीटर रूल कहते हैं. जिसमें हमने ये भी बात की थी, हमने एक स्केल ड्रॉ किया था कि जो दो बड़ी लाइन्स होती हैं वो आपके पास जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होती हैं और जो दो छोटी लाइन होती हैं वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है. तो हमें ये पता चला था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है. इस तरीके से हमने दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, जिससे हमने पढ़ा था जैसे मीटर रूल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. इसी तरीके से वॉल्यूम को मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जिसे आमतौर पर हम बीकर वगैरह कहते हैं. इसमें भी हमने पढ़ा था दो स्मॉल लाइनें आपके पास 1 मिलीलीटर के बराबर होती हैं. फिर हमने ये भी बात की थी कि हमने जो लिक्विड इसके अंदर फील किया, जैसे मिसाल के तौर पर हमने इसको ऑब्जर्व किया क्लिनिकली, तो ये हमने जब काउंट किया तो 8 पे आके रुकी इसकी जो, यानी कि लिक्विड जो है वो 8 तक आ रहा था. तो यानी कि इसकी जो रीडिंग थी वो इसके अंदर कितना लिक्विड है, 8 मिलीलीटर लिक्विड है. आज हम थर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो कि आपके पास है पाइपेट, फ्लास्क और ब्यूरिड. स्टूडेंट्स के आपको पता है जिस तरीके से आप वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आप और भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं. जिससे आपके पास है फ्लास्क, आपने नाम सुना होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क, ये तमाम जो है वो फ्लास्क के नाम हैं जो कि ग्लास से मिलकर बनती हैं. राउंड बॉटम फ्लास्क जो है वो इस तरीके की राउंड शेप की होती है, कॉनिकल फ्लास्क जो है वो फ्लैट शेप, नीचे फ्लैट होती है, और ये मेजरिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो इस तरीके की होती है जिसकी जो नेक है वो ज़्यादा लंबी होती है. अब सवाल ये होता है कि ये जो फ्लास्क हैं ये डिफरेंट शेप्स की क्यों होती हैं. अब डिफरेंट शेप्स की हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि ये डिफरेंट शेप्स की क्यों हैं. राउंड बॉटम फ्लास्क इसलिए होती है कि हमें अगर किसी चीज़ को मिक्स करना हो तो इसका जो ऊपर का जो नेक है वो थोड़ा छोटा होता है. आराम से हम क्या कर सकते हैं, किसी इन चीज़ों को, मतलब हम इस फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क में से चीज़ें मिक्स कर सकते हैं. हम आराम से एक मिक्सर, हमने सॉल्यूशन डाला, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें से सॉल्यूशन निकाल के हम काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर आराम से डाल सकते हैं क्योंकि इसकी नेक क्या है, छोटी है. अच्छा, ये बेसिकली जो फ्लास्क हैं ये सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम इन फ्लास्क को यूज़ रखते हैं. सॉल्यूशन रखने के लिए या डालने के लिए भी हम इन फ्लास्क को यूज़ करते हैं. राउंड बॉटम फ्लास्क का शेप इस तरीके का क्यों होता है, क्योंकि हम अगर हमने आराम से कोई और सॉल्यूशन इसके अंदर मिक्स करना हो तो आराम से क्या करते हैं, इसकी जो नेक होती है वो छोटी होती है. हम आराम से क्या कर सकते हैं इसमें, और इसके ज़रिए और सॉल्यूशन को इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं या इसमें से सॉल्यूशन निकाल के किसी और सॉल्यूशन में डाल कर सकते हैं. कॉनिकल जो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क होती है ये फ्लैट होती है, जैसे चपटी होती है, इसलिए यूज़ होती है. आप अगर इस फ्लास्क को आराम से किसी टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं. राउंड बॉटम फ्लास्क को जो है मुश्किल होती है, आपको पकड़नी होती है, ये आराम से टेबल पर नहीं टिकती. मगर जो कॉनिकल फ्लास्क होती है आराम से टेबल पर रखी जा सकती है, तो इसलिए कॉनिकल फ्लास्क जो है, अगर जैसे हमें कोई सोल्यूशन टेबल वगैरह पर रखना हो तो उसके लिए आपके पास ये कॉनिकल फ्लास्क जो है वो यूज़ होती है, आराम से टेबल पर रख ले जाती है. नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपके पास. इसके जो नेक होती है वो ज़्यादा लंबी होती है. कुछ केमिकल जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं. कुछ जो आपके पास जो केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब उसका जो केमिकल रिएक्शंस होता है, कुछ केमिकल जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो अगर हम उनके अंदर, मतलब उसका सॉल्यूशन बनाए तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होके होके अगर जो सॉल्यूशन बाहर निकलने का खतरा होता है, तो इसकी नेक इसलिए लंबी होती है ताकि अगर इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाए और ये सॉल्यूशन बाहर भी निकलने वाला हो तो उसकी नेक ज़्यादा लंबी होगी, तो ये ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगा, बाहर नहीं निकलेगा और वापस नीचे आ जाएगा. इसलिए ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो यूज़ होती है आपके पास. ये तमाम फ्लास्क जो है वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए होती हैं. पाइपेट क्या है कि हमें जब स्मॉल वॉल्यूम किसी भी चीज़ के अंदर, हमें किसी, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें कोई सॉल्यूशन ऐड करना है, स्मॉल अमाउंट में उसका जो वॉल्यूम है वो ऐड करना, मतलब एक ड्रॉप ऐड करना है, दो ड्रॉप ऐड करना है, तो उसके लिए हम फ्लास्क वगैरह या कॉनिकल फ्लास्क वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे, उसके लिए पाइपेट यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं, इसके एंड से यहाँ से माउथ से इसको सक करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन इसके अंदर
जो है वो फिल कर लेते हैं, और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से थंब पे लगा के उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। तो ये भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम पाइपेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है ब्यूरिड, जिसे आप एक ब्यूरिड के डायग्राम को देख सकते हैं। ये भी एक वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड फिल कोई भी सॉल्यूशन फिल करके, किसी भी सॉल्यूशन आपने नीचे कॉनिकल फ्लास्क लगा दिया, आपने उसमें वॉल्यूम डालना है सॉल्यूशन का, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से इसको खोल के क्या कर सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप उस वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर आपको किसी चीज़ में वॉल्यूम या सॉल्यूशन ऐड करना हो, तो उसके लिए आप पाइपेट इस्तेमाल करते हैं और ब्यूरिड इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं। Hopefully student you understand my lecture. This lesson is continued to the next video. Inshallah we will meet you in another video with another topic. Till then take care and Allah Hafiz.